अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ पर हम आया जो मेज़बान फयाज़ नाइच गुफ्तगू कंदासूं। नाज़रीन, मुल्क जे खिते जे आलमी सियासी मंज़रनामे ते शुरुआत कंदासूं कुलभूषण पंहिंजो उन जेका फांसी जी सज़ा वारो मामिलो आहे उन ते। अॼु हिंदुस्तान जी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज जेको आहे उतां जी पार्लियामेंट जे अंदरि जेको आहे ख़िताब कंदे चयो आहे त कुलभूषण खे फाही वारे फ़ैसिले जे करे ॿिन्ही मुल्कनि में लाॻापा ख़राबु थी सघनि था। ऐं हुनजो इहो बि चवणो हो त उन हवाले सां हू हिंदुस्तान कंहिं बि हद ते वञी सघे थो। हू ज़रूरत पई त पाकिस्तान जे सदर खे बि उन हवाले सां उन सां राबितो कयो वेंदो। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान जे बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ जेको आहे पंहिंजो सेनेट जे अंदरि पॉलिसी बयानु ॾींदे चयो आहे त पाकिस्तान जी सलामती जे ख़िलाफ़ कंहिं कमु कंदड़ कंहिं बि माण्हू खे न बख़्शियो वेंदो। ऐं हुन चयो त कुलभूषण यादव एतिराफ़ी बयानु ॾिनो आहे ऐं उहो रिकॉर्ड ते पियल आहे। ऐं हुनजो इहो बि चवणु हुयो त उन सिलसिले में कंहिं बि क़िस्म जी रिआयत न कई वेंदी। इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राबितो कयो आहे मुल्क जे सीनियर तर्जनगार जनाब सलमान आबिद साहिब सां। अचो त उन सां गुफ़्तगू। सलमान आबिद साहिब, किस तरह देखते हैं इस सारे मंज़रनामे को? देखिए, कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक टेंशन तो चल रही थी। अगरचे भारत ने इब्तदाई तौर पर कुलभूषण को अपना आदमी मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन तफ्तीश के दौरान जिस किस्म की गुफ्तगू कुलभूषण ने की और जिस किस्म का एतराफ किया, उससे जाहिर हो गया था कि वो भारत के लिए या उसकी खुफिया एजेंसी के लिए पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा था और मकसद वही था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और उसने ये भी एतराफ किया था कि वो बलूचिस्तान और कराची के अंदर बहुत सी तंजीमों के साथ उसके बराह रास्त रबते थे और उनको वो माली एनत भी करता था। अब मसला ये था कि हमारे यहाँ इस मामले पर एक तजाद सा पाया जाता था। कुछ लोग उसको मानते थे, कुछ लोग उसको नहीं मानते थे, कुछ लोग समझते थे कि ये फौजी हिकमत अमली का हिस्सा है। लेकिन अब जिस अंदाज से चीजें सामने आई हैं और जिस अंदाज से फौजी अदालत ने उनको सजा दी है, उससे भारत के अंदर एक बड़ा रद्दअमल आया है। आपने देखा कि भारतीय वजीर खारजा ने कहा है कुलभूषण जाधव को भारत का बेटा करार दे दिया है। अभी चंद माह पहले तक वो कुलभूषण जाधव को मानने से भी इंकार कर रहे थे, अब वो भारत का बेटा भी हो गया है। इसी तरह से भारतीय रद्दअमल काफी सख्त आया है इसके ऊपर। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर कुलभूषण को कोई फांसी दी गई तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बकायदा एक कत्ल का तयशुदा मंसूबा होगा। तो अब एक लगता तो है कि पाकिस्तान, और अभी चंद दिन पहले आपको पता है कि अमरीका ने एक सालसी का किरदार अदा करने की बात की थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। तो अब कुलभूषण के मामले में जो हमारा डेफिसिट है इंडिया पाकिस्तान का एक दूसरे के बारे में, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखना ये होगा कि कुलभूषण की यादव की फांसी का फैसला तो हो गया है, लेकिन क्या इस फांसी पर फैसले पर अमल दरामद हो सकेगा और क्या वो उसकी अगर अपील आती है तो वो आगे बढ़ सकेगी? और खास तौर पे इस मामले में अमेरिका क्या रोल प्ले करता है, भारत अपनी डिप्लोमेसी के साथ कैसे रह जाता है और पाकिस्तान की सियासी क्यादत जिसकी गेंद कोर्ट में अब गेंद गिर चुकी है क्योंकि फौजी अदालत ने तो फैसला सुना दिया अपना। अब इस फैसले पर अमल दरामद के लिए तो वफाकी हुकूमत को आगे बढ़ना है, तो वफाकी हुकूमत किस हद तक इस सारे मामले को लेकर आगे बढ़ती है वो भी हमें देखना होगा। तो बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, इतनी आसान सूरत हाल नहीं है। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखिए कि हमारी सियासी और अस्करी दोनों क्यादत इस बात पर मुत्तफिक है कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है रा, वो पाकिस्तान को डीप स्टेबलाइज करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। कराची और बलूचिस्तान उसका खसूसी टारगेट है। और बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि हमारे पास वो तमाम शवाहद भी मौजूद है जो ये साबित करते हैं कि भारत की एजेंसी यहाँ पे मुदाखलत कर रही है। तो अब इस तनाजुर में कुलभूषण जो है वो एक टेस्ट केस बन गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। देखना होगा कि इस मामले को दोनों तरफ से कैसे डील किया जाता है। अच्छा, जब हम देखते हैं पाक इंडिया रिलेशंस के हवाले से, तो नवाज शरीफ के दौर में बड़े गुज़िश्ता जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की 90s के अंदर जो गवर्नमेंट थी उसमें एक अच्छे रिलेशंस की बात की गई और फिर वाजपेयी साहब यहाँ पे आए, लेकिन फिर हमने देखा कि वो अपना हो गया, कारगिल हो गया, उसके बाद सूरताल दूसरी तरफ चली गई। परवेज़ मुशरफ जो कारगिल का अपना जिसको आर्किटेक्ट कहा जाता है, लेकिन उसने जब टेक ओवर किया तो उसने फिर वो उन मामलों को आगे बढ़ाया। और हमारे कसूरी साहब तो कहते हैं कि कश्मीर के मामले के हल के करीब पहुंच गए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान, लेकिन फिर मामलात और ख़राब हो गए, मुंबई हो गया और फिर यहाँ पे उससे पहले जो है वो अपना परवेज़ मुशरफ के ख़िलाफ़ यहाँ पे एक जुडिशरी के हवाले से एक मूवमेंट चल पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दौर था जरदारी की गवर्नमेंट में, उसमें गिलानी मनमोहन मुलाकातें होती थी तो इतना टेंशन नहीं था उस वक्त। लेकिन अब देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जब मोदी साहब आए हैं और इधर से टेक ओवर किया है राहिल शरीफ साहब के दौर से,
पाक इंडिया रिलेशंस के अंदर एक तनाव हर वक्त रहता है। देखिए आपने बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया है। असल में कुछ तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी फोर्सेस हैं जो भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात नहीं चाहती, लेकिन बदकिस्मती से ये सब एतराफ़ करते हैं वो लोग भी जो पाकिस्तान में भारत से दोस्ती बढ़ाने की बात करते हैं, वो उनका एतराफ़ भी शामिल है कि अब इस वक्त भारत का जो मजमूई मिजाज है उसमें काफ़ी इंतहा पसंदी नज़र आ रही है, और वो जो भारत एक सेकुलर रियासत के तौर पर ऑपरेट करता है उसके मुकाबले में अब एक हिंदुत्वता की पर मबनी रियासत जो है वो ऑपरेट हो रही है। अभी आपने देखा कि हालिया इंतखाबात में जो उनके दाखिली इंतखाबात हुए हैं वहाँ जो वजीर आला मुंतखब होके आए हैं उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुसलमानों को कब्रों से निकाल कर उनका गोश्त खाया जाए। यूपी की बात करें, की जा रही है यूपी के वजीर आला की, जी जी यूपी के, इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है और मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी उसका कार जो है भारत के अंदर बहुत खेला जा रहा है, और हालिया इंतखाबात में भी हमने ये देखा यूपी के इंतखाबात में, तो भारत के अंदर एक मजमूई तौर पर एक काफी इंतहा पसंदी पाई जाती है, और वो ये बात साबित करने पर तुला हुआ है इस वक्त दुनिया के अंदर अपनी डिप्लोमेसी के तहत कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो बराह रास्त दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हालांकि हम इस वक्त खुद दहशतगर्दी की जंग से निमटने की कोशिश कर रहे हैं और हमें सख्त मुश्किलात का सामना है, आपको भी पता है हमें भी पता है, लेकिन इस मामले में दहशतगर्दी के मामले में तो देखिए हिंदुस्तान भी शिकार है। होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और दीगर ममालिक मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से कोई मुश्तरक मैकेनिज्म बनाते, एक दूसरे की मामलत की जाती, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर बदतमादी बढ़ रही है। यही सूरत हाल अफगानिस्तान के साथ भी है, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, जो पेचीदा सूरत हाल बन रही है उसमें भी दहशतगर्द वहां से आ रहे हैं या यहाँ से जा रहे हैं, वो एक बहस मौजूद है। तो मुझे लगता है कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए जिस अंदाज से इस खत्ते की सियासत को चलना चाहिए था उसमें पाकिस्तान और भारत दोनों नाकाम हुए हैं छोटे ममालिक को साथ लेकर चलने में, क्योंकि उनका अपना डेफिसिट एक दूसरे पे बहुत बढ़ गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए नवाज शरीफ साहब ने तो आते ही 2013 के इंतखाबात के बाद यहां तक कह डाला कि उनको जो मैंडेट मिला है वो भारत से दोस्ती का मिला है, और बहुत आगे जाकर उन्होंने भारत को पेशकश की है मुज़ाकरात की, वो खुद भी मोदी को मुबारकबाद देने गए, लेकिन वहां से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। देखिए प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर तो छोड़िए, सेक्रेटरी खारजा की सतह के जो मुज़ाकरात होने थे वो भी नहीं हो पा रहे, वीजों के अजरा के ऊपर बड़ी मुश्किलात हैं, हालांकि मोदी साहब नवाज शरीफ साहब के घर चलकर आ गए, लेकिन ताल्लुकात में कोई बेहतरी का इम्कान पैदा नहीं हो रहा। और अब अगर आप भारत के मीडिया को रिव्यू करें तो वहां पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा काफी बिक रहा है और काफी हॉट इशू है, इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से भी गलतियां हुई होंगी, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ताल्लुकात जो है भारत से दोस्ती ना की जाए बल्कि जंग की जाए, लेकिन ये जंगी जुनून इस वक्त भारत में हमें काफी हॉट नजर आ रहा है, उसकी वजह से लगता है कि कुछ मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बढ़ रही हैं। अच्छा, अब जो ये मंजरनामा आप बता रहे हैं उसमें आप किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो शर्मुल शेख में जब गिलानी मनमोहन मुलाकात हुई थी तो उस वक्त ये हिंदुस्तान की जो भारत बलूचिस्तान के अंदर जो मदाखलत है उसका वो जिक्र किया गया था, फिर मनमोहन साहब जब वापस गए अपने मुल्क में तो बड़ा प्रेशर हुआ, शोर हुआ, फिर वो उस बात से मुकर गए। आपके ख्याल में फिर पाकिस्तान ने डोजियर्स की बात की, कहा कि डोजियर्स हम देंगे सिक्योरिटी काउंसिल के अहम ममालिक को, हमने डोजियर्स दे दिए हैं, लेकिन वहां से किसी मुल्क की तरफ से पाकिस्तान की सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट या इस तरह की वो नहीं आई। आपको लगता है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अचीवमेंट नहीं कर सका उस हवाले से? उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान एक तो जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफी तजादात है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने सफारती महाज पे वो काम नहीं किया, डिप्लोमेसी के महाज पे वो काम नहीं किया जो वो करना चाहिए था। आपको याद है कश्मीर के मसले पे हमने एक डेलीगेशन जो है अरकान पार्लियामेंट का भेजा, उसमें ऐसे अरकान पार्लियामेंट को शामिल कर दिया जिनको कश्मीर की अली बेका भी नहीं मालूम था। इसलिए जो अंदाज हमें डिप्लोमेसी के महाज पे सफारतकारी के महाज पे करना चाहिए था उसमें जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं पाकिस्तान में रियाज अहमद खान, शमशाद अहमद खान जैसे लोगों से फायदा उठाना चाहिए था, वो हमने नहीं उठाया। और फिर उसके बाद जो भारत की डिप्लोमेसी है, भारत की सफारतकारी है, वो हमसे बहुत दोगुना आगे है, वो ज्यादा इस वक्त दुनिया में इनकी बात मानी जाती है, इसलिए अगर हम हमारी बात ठीक भी हो तब भी दुनिया में इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है जितनी इस वक्त भारत की एक्सेप्टेबल है, और यही उसका एज जो है वो भारत उठाने की कोशिश करता है। और हमने जितने भी सवाल दिए, आपको याद हो एक दफा गिलानी साहब ने भी कहा था कि हमने दुनिया में जाकर बाबर करवाया लेकिन दुनिया हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो इसलिए तैयार नहीं है कि आपके दाखिली सियासत के जो मसाइल हैं उसमें आप उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप दुनिया के सामने चैलेंज करके अपने आप को खड़ा कर सकें। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि भारत जो है वो दुरुस्त है या गलत है, लेकिन वो डिप्लोमेसी के महाज पे इस वक्त पाकिस्तान को एक मुश्किल और टफ टाइम दे रहा है। अच्छा,
इस सारे मामलात के अंदर जो बैन अक्वामी पॉलिटिक्स का मंजरनामा है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त चाइना भी ये बार बार कह चुका है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामलात में तनाव नहीं आना चाहिए, और हिंदू इस तरह आपने जिक्र किया अमेरिका की तरफ से निकी हेली जो उनकी अपना यूएन के अंदर जो उनकी सफारतकार हैं उसने तो कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि ओबामा जब 2008 के अंदर इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त उसने भी कहा था कि वो कश्मीर के मसले के हल के लिए अपनी कोशिशें लेंगे, लेकिन फिर हमने देखा वो कुछ कर नहीं सके। इस बात बुनियादी बात यह है कि अमेरिका क्या चाहता है, ईरान क्या चाहता है, बरतानिया क्या चाहता है, वो बात की बात है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान खुद क्या चाहते हैं। देखिए साल ये ममालिक जिनका आपने जिक्र किया ये सालसी के तौर पर तो सामने आ सकते हैं, लेकिन बड़ा फैसला तो खुद भारत को करना है, क्योंकि भारत की जमहूरियत बड़ी है और एक बड़े हजम के साथ जो है वो वहां पे मौजूद है। लेकिन अभी भारत जो है वो इस बुनियाद के ऊपर तो चाहता है कि एक सालसी का रोल हो और ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन वो अपनी शराइत के ऊपर ताल्लुकात की बहाली चाहता है। दुनिया में जब दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहाल होते हैं या कोई तीसरा फरीक आके उसमें सालसी करता है तो यही हो सकता है कि मैं कहूँ कि सिर्फ मेरी शर्त से बात होगी, दूसरे की शर्त नहीं होगी। तो इसमें गिव एंड टेक होता है, कुछ आपको देना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत ये चाहता है कि जो भारत की हेजमनी है इस पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान उसको कबूल करे। अब ये एक नफसियाती वार भी बन गई है, पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब देखें हम भारत के साथ ताल्लुकात तो बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन उन तमाम मौजूदात का अहाता करेंगे, उन तमाम मसाइल का अहाता करेंगे जो हमें दरपेश है, जबकि भारत जो है वो सिर्फ तजारत की बात करता है, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये अब कश्मीर में देखिए ना रोजाना की बुनियाद के ऊपर वहां पे नहते कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अभी पिछले 4-5 दिन में कुछ 30-35 के करीब जो है वो कश्मीरी शहीद हुए हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि देखिए जब आप मुज़ाकरात में जाएंगे तो आपको एक जामे किस्म के मुज़ाकरात के पैकेज के साथ जाना पड़ेगा, गिव एंड टेक करना पड़ेगा, और जो भी सालिस आएगा ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अमेरिका के पीछे लग के या चाइना के पीछे लग के जैसे भारत चाहता है वैसे वैसे ताल्लुकात बहाल कर लेगा, ये मुमकिन नहीं होता। पाकिस्तान भी अपनी शरायत मनवाने की कोशिश करेगा, कुछ वो भी मनवाने की कोशिश करेंगे, कुछ उनको कामयाबी होगी, कुछ हमें कामयाबी होगी, लेकिन इसमें भारत जो है वो एक बड़े रोल के तौर पर अभी तक अपने आप को पेश नहीं कर रहा है। अच्छा, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को इस खत्ते के अंदर सिर्फ पाकिस्तान से मखामसत नहीं है, वो चाइना के साथ भी उसके 60 से लेकर जो सूरत हाल है तिब्बत के मसले पर उससे हिंदुस्तान जो है वो चाइना के साथ भी खुश नहीं है, और इस वक्त जो ख़ास तौर पर सीपैक का प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान उस पर काफ़ी मर्तबा उनकी गवर्नमेंट ने, उनके अपना मीडिया ने, उनके इंटेलिजेंशिया ने उस पर काफ़ी अपने कंसर्न्स का इज़हार किया है, अपनी नाखुशी का इज़हार किया है। आपके ख्याल ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी ने तो खुद बर्मला ये कहा कि वो सी पैक का जो मंसूबा पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है उसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो अब मसला ये है कि जब वो चाइना के साथ इस तरह की गुफ्तगू करेगा, पाकिस्तान के साथ इस तरह की गुफ्तगू करेगा, और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर इस रीजन की पॉलिटिक्स में आ रहा है उसमें वो कॉपरेट करने की बजाय एक हर्डल के तौर पर काम करेगा, तो फिर ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, चाहे वो चाइना के साथ हो और चाहे वो भारत के साथ हो, अगर पाकिस्तान के साथ हो। अगर भारत अपने आप को एक मुखालिफ फरीक के तौर पर पेश करेगा तो बात नहीं बनेगी। भारत को जो भी रेजोल्यूशन है पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से उसके जो जायज कंसर्न है हो सकते हैं उसको भी बातचीत के जरिए हल किया जाएगा ना, और तो कोई तरीका नहीं है। अगर उसको चाइना के साथ गुफ्तगू करनी है तो वो जरूर करे, पाकिस्तान के साथ करनी है तो कुछ करे, और ये बैठ के बात होगी। लेकिन मसला ये है कि अभी तक पिछले इतने अरसे में भारत बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहा, जो एक बड़ा मसला है जिसमें चाइना भी नाकाम हुआ है, अमरीका भी नाकाम हुआ है, बरतानिया भी नाकाम हो रहा है, और हम खुद भी नाकाम हो रहे हैं, और भारत के अंदर जो संजीदा लोग चाहते हैं कि बातचीत हो उनको भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस्लामिक कंट्रीज का जो अलायंस है 41 ममालिक हैं, आपके ख्याल में पाक इंडिया रिलेशंस की जो इस वक्त सूरत हाल है अब, और पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ उसके सरबराही के तौर पर भी वो गए हैं, हालांकि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ कभी कहती हैं कि उन लोगों ने उनको परमिशन दी है, कभी कहते हैं एनओसी हमने नहीं दी, आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि उनसे नहीं पूछा था राहिल शरीफ साहब ने, तो आपके ख्याल में ये इस मामले में उनका कोई रोल बनता है, उस अलायंस का कोई इम्पैक्ट बनता है? नहीं देखिए अलायंस तो अभी एक उसकी लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अभी एक परसेप्शन ये है, मैं नहीं कहता कि जायज है गलत है दुरुस्त है, अभी मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन एक परसेप्शन ये बन रहा है कि जो अलायंस है जो सऊदी हुकूमत उसको लीड करेगी ये बुनियादी तौर पर एंटी शिया अलायंस बन रहा है, जबकि आपको याद है जनरल राहिल शरीफ ने खुद वजाहत की थी और ISPR ने भी वजाहत की थी कि ईरान को शामिल किए बगैर वो खुद राहिल शरीफ इसकी सरबराही कबूल नहीं करेंगे।
लेकिन अभी तक हमने देखा है कि ईरान और जहां जहां जितने जितने फीसद शिया रहते हैं जिस जिस मुल्क के अंदर, उन्होंने उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन शेप की है। तो मुझे लगता है कि अभी तो खुद इस इत्तेहाद की अपनी लिजिटिमेसी का इशू है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप एक खास फिरके के खिलाफ खड़े हो जाएं सारे के सारे मिलकर, तो ये अलायंस इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकेगा। फिर ये देखना होगा कि ये अलायंस जब आगे बढ़ता है तो किस हद तक हम ईरान को अपने साथ मिलाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम इस पूरे अलायंस के चक्कर में पड़े। लेकिन लेकिन अपना आपको याद होगा, आपको याद होगा कि जब यमन के मसले पर पाकिस्तान ने सऊदी और यूएई की बात नहीं मानी थी, तो उन लोगों ने यूएई के अंदर अपना मोदी को बुलाया था, नरेंद्र मोदी साहब वहां गए थे, बड़े बड़े खिताबात किए थे, पूरा स्टेडियम यूएई का भर गया था और उसमें उसने खिताब किया था, और जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही सख्त किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी। लेकिन एक है इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एक है नेशनल इंटरेस्ट। आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट में तो ठीक है कि यूएई ने दूसरा कार्ड खेल के फिर यूएई में जाके अपने आप को मनवाया भारत इन्होंने, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि हमें ये देखना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है। आपको पता है हमने पहली इरवान वार के अंदर जो जो किया था उसके साथ भी आज तक जो उसकी भुगत रहे हैं हम सजाएं, वो अभी तक भुगत रहे हैं। तो हमें इस मामले में जरा कॉन्शियस होना पड़ेगा और ठहर ठहर के कदम रखना पड़ेगा, कुछ जज्बाती अंदाज अख्तियार नहीं करना पड़ेगा, और इसमें हमारी जो सिविल लीडरशिप है उसको भी बड़ा मैच्योरिटी का मुजहरा करना होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कभी कुछ कहते हैं फिर कभी कुछ कहते हैं फिर कभी कुछ कहते हैं, उससे खुद कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, लग नहीं रहा कि पता नहीं इसमें असल बात क्या है या कोई बात छुपाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो बात इमरान खान ने की थी, मैं तो उसकी तारीफ करता हूं, कि इस पूरे मामले को पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट में गुफ्तगू होनी चाहिए, फिर कोई खतोखाल तय होने चाहिए कि पाकिस्तान किन शराइत के ऊपर जो है ना ये सरबराही कबूल कर रहा है, एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ साबिक जो है वो क्यों उसके ऊपर जा रहा है। तो हमें पहले अपने अंदर भी तो एक इत्मीनान की फिजा को कायम करना है, ये ना हो कि हम उसको आगे बढ़ रहे हो और खुद हमारे अपने, लेकिन उसमें आप देखते हैं कि हक में नहीं होगी। DGISPR ने कहा था कि राहिल शरीफ का ये उसकी सरबराही कबूल करना ये रियासत का फैसला है, और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि कभी कहते हैं कि हमसे पूछा गया था, कभी कहते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया था। लेकिन हमारे अस्करी जब आप कहते हैं कि रियासत का फैसला, तो उसे रियासत में तो फिर अब सब फरीक शामिल हो गए ना, तो अगर सारे फरीकों ने मिलकर ये फैसला किया तो फिर ख्वाजा आसिफ को तो दूसरी बात करनी चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू से लगता है कि फैसला जो है उसमें वो लोग शामिल नहीं है, हुकूमत तो उसका हिस्सा नहीं है। बड़ी मेहरबानी अपना सलमान आबिद साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, नाज़रीन गुफ्तगू तामदी। ख्वाजा आसिफ जो चवणी हुआ है त पाकिस्तान इन कुलभूषण के मामले ते का भी रियायत न कदो, जॾहिं त सुषमा स्वराज जो चवणी आहे त हुनखे जेकॾहिं पाकिस्तान जे सदर सां राबितो करणो पियो त उन लाइ बि उहे तयारु आहिनि। बहरहाल ॾिसजे छा थो थिए, हिन ते वधीक गुफ़्तगू कंदासीं। फ़िलहाल वठंदो वक़्फ़ो, वापसि जो प्रोग्राम कंदो तव्हां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मुल्क जा नामियारा सियासतदान जनाब जावेद जब्बार साहब, अचो त हुन सां गुफ़्तगू। जावेद जब्बार साहब, सलाम अलैकुम। जावेद जब्बार साहब, ये कुलभूषण साहब का जो मामला हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की कोर्ट ने उसको सजा दे दी है, आज जो है सुषमा स्वराज का रद्द अमल आया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है कि पाकिस्तान उस मामले में कोई भी रियायत करने के लिए तैयार नहीं। आप किस तरह समझते हैं इस डेवलपमेंट को? मैंने सुषमा स्वराज का स्टेटमेंट नहीं देखा, क्या कहा है उसका? उसने कहा है कि दोनों ममालिक के रिलेशंस के अंदर तनाव बढ़ेगा, और उसने ये भी कहा है कि उस सिलसिले में वो हिंदुस्तान का बेटा है कुलभूषण, और उसके लिए हिंदुस्तान किसी हद तक भी जा सकता है, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के सदर से भी राबता किया जाएगा। पाकिस्तान के सदर से भी राबता किया जाएगा। अच्छा, एक तो मैं सुषमा स्वराज साहब की बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूं, क्योंकि ये हमने नहीं बिगाड़ा रिश्ता, ये बड़े अरसे से खासतौर पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद रिश्ता बिगाड़ने में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमल रहा है। पाकिस्तान ने बहुत जिम्मेदारी दिखाई है और ठहराव दिखाया है, तो इससे तो मैं इख्तिलाफ करता हूँ। नंबर दो, अगर वो इसका बहुत संगीन तौर पर वो लेते हैं ये कदम को या फैसले को, तो उन्हें जरा सब्र का भी इजहार करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रोसेसेस बाकी हैं। एक अपील का प्रोसेस है
और दूसरा है सिविल अदालती भी प्रोसेस बाकी है, और तीसरी सतह पर सदर मुमलिकत पर जहां फाइनल डिसीशन होगा अगर मर्सी पिटिशन उनके पास जाए। तो ये कबल वक्त होगा कहना जी इसकी वजह से हमारा रिश्ता बिल्कुल बिगड़ जाएगा या बिगड़ चुका है। अब आपके ख्याल में रिश्ते की इस वक्त जो नोयत है उसमें वाकई कोई बिगाड़ नहीं है? नहीं, बिगाड़ आई है, बिगाड़ आई है हिंदुस्तान की हकूमत के दानिस्ता कदमों की वजह से। आप ये ना भूलिए कि उन्होंने कई मासूम पाकिस्तानियों को हलाक किया है कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतनी गैर जिम्मेदाराना फायरिंग कर एक शख्स के ऊपर ये बहुत बेचैन हो रहे हैं। दुरुस्त है, हर इंसान की जान कीमती है और कत्ल किसी का भी नहीं होना चाहिए, बेशक अदलिये के जरिए या किसी हादसे के जरिए, लेकिन वहां तो दानिस्ता तौर पर उन्होंने सिविलियन को निशाना बनाकर खवातीन को, बच्चों को, मर्दों को हलाक किया है गुज़िश्ता महीनों में। तो बिगाड़ा तो उन्होंने है रिश्ते को, हमने नहीं बिगाड़ा। अच्छा, आपके ख्याल में नरेंद्र मोदी की हुकूमत जिस तरह आप कह रहे हैं उसके बाद जो ये सूरत हाल बनी है इसका कोई डिफ्यूजन देख रहे हैं, किस तरह ये डिफ्यूज हो सकती है? जी, डिफ्यूजन की जिम्मेदारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैं कहूंगा हिंदुस्तान की हुकूमत पर है। हमने कई दफा बातचीत का ऑफर किया है, बातचीत से हम इनकार नहीं करते। सारी दुनिया अब मानती है कि चाहे रूस और अमरीका के दरमियान तलखी हो या सीरिया और अमेरिका के दरमियान, वो भी मान चुके हैं कि जहां पर खुली जंग जारी है जेनीवा में वहां पर बातचीत हो रही है अक्वामे मुत्तहिदा के मातहत। हिंदुस्तान ही है जो अड़ावा है कि ना हम अक्वामे मुत्तहिदा के मातहत बात करना चाहते ना हम किसी थर्ड पार्टी के जरिए। वो एक झूठा एक किस्म का इंटरप्रिटेशन देता है शिमला मौहदे को, कि कहता है कि जी शिमला मौहदे के बाद सिर्फ बायलैटरल होना चाहिए उन दरमियान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जबकि शिमला एकॉर्ड में ये भी शिख मौजूद है कि अगर बायलैटरल ना हो तो दोनों पार्टीज की रजामंदी के साथ किसी और जरिए से भी मसाइल को हल करने की तलाश की जा सकती है। वो हिस्सा शिमला मौहदे का वो भूल जाते हैं हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान को चाहिए कि दुनिया को याद दिलाए कि शिमला मौहदे में ये भी शिख मौजूद है जो ज़ैदे भुट्टो साहब ने इसरार कर रखवाई थी। तो मैं समझता हूं कि ओनस जिम्मेदारी बेहतर रिश्ता बनाने की वो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान पर है, पाकिस्तान पर नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान की मदाखलत के हवाले से डोजियर की बात पाकिस्तान की हुकूमत ने कई बार की है और कहा गया कि वो अहम ममालिक को दिए गए हैं, लेकिन उन ममालिक की पाकिस्तान के मौकफ की हिमायत की कोई नवीद सुनने में नहीं आई। आपके ख्याल में डिप्लोमेसी? जी, इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं भाई। वो अपने ममालिक, वो अपने अपने कौमी मफाद की वजह से, हिंदुस्तान क्योंकि एक बड़ा मुल्क है उससे तिजारत की वजह से, दूसरी ताल्लुकात की वजह से वो बड़े नपे तुले अंदाज में इस मामले को जांचना चाहते हैं, कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो हमदर्दी नहीं रखते। वो चाहे ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहें या बहुत दबे अल्फाज में वो मजम्मत करें, जैसे ओआईसी जिसका कोई मौसर रोल नहीं है, इस्लामी दुनिया की जो तंजीम है उसके सेक्रेटरी जनरल ने कल इस्लामाबाद में वाजे तौर पर कहा है कि वो पाकिस्तान के मौकफ का पूरी हिमायत करता है और कहता है कि जी कश्मीर को अक्वामे मुत्तहिदा के करारदाद के मातहत इसका रेजोल्यूशन देखना चाहिए। तो ये नहीं है कि पाकिस्तान को दुनिया में हिमायत हासिल नहीं, ये जरूर है गैर बराबरी का एक जो उत्तर, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है वो पूरी तरह कोशिश कर रहा है उसका फायदा उठाने का। हम अलबत्ता बहुत नाकामयाब रहे हैं कि हम अपना सही मौकफ मौसर अंदाज में दुनिया के सामने नहीं पेश कर रहे, ना हम इसमें सरमाया लगा रहे हैं, ना हम अपने इंसानी वसाइल को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी या पब्लिक डिप्लोमेसी। हकूमती सिफारती काम के अलावा अवाम की जानिब से एक बाकायदा सिस्टमेटिक अंदाज में किया जा सकता है बड़े मौसर तौर पर, लेकिन हम
बड़े बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हकूमत ने उस एस्पेक्ट को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया। शर्मुल शेख के अंदर जो गेलानी मनमोहन मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा कि उसमें ये अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर दर्ज किया गया था कि हिंदुस्तान की जो बलूचिस्तान के अंदर मदाखलत है, पाकिस्तान को उस पर काफ़ी कंसर्न हैं। उसके बाद हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान के किसी इस तरह के उस फोरम के अंदर पाकिस्तान की बात जो है वो उस सतह पर गई हो। आपके ख्याल में पिछली गिलानी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी मौजूदा हुकूमत से बेहतर थी? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा फर्क है। मैं समझता हूं कि माजी की हुकूमत ने भी मुकम्मल तौर पर पब्लिक डिप्लोमेसी नहीं इस्तेमाल की, लेकिन ये एक रिवायत है कि बहुत ज्यादा अपने ऑफिशियल डिप्लोमेसी पर डिपेंड करना और सारे जो दूसरे जराए हैं उसको उन्होंने सही तौर पर, मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। मैं तवक्को करता था कि मौजूदा हुकूमत इतनी मजबूत होने के बावजूद, अच्छी अक्सरियत है इसकी मरकज में, बड़े सूबे में इसकी हुकूमत है, पंजाब में, बलूचिस्तान में भी ये शामिल है हुकूमत में, तो इतने फवायद रखते हुए और ये टेररिज्म के बुनियाद को बनाते हुए पाकिस्तान को ज्यादा मौसर तौर पर बैनुल अक्वामी सतह पर पेश किया जा सकता था। तो बहुत स्कोप है इसमें बेहतरी लाने की। रिसेंटली निकी हेली जो अपना यूएस की अपना एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उसने कहा है कि उसमें अमेरिका अपना रोल अदा करेगा, और उसने दो चीज़ें कही। एक तो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अहम ममालिक जो है वो अपना रोल अदा कर सकते हैं, और उसने आखिर में ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी उस पर्सनली उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। इस तरह की बातें किसी ज़माने में ओबामा साहब ने अपनी 2008 की इलेक्शन कैंपेन से पहले की थी। आपके ख्याल में अमेरिका का कोई रोल बनता है पाक इंडिया रिलेशंस के अंदर, और वो क्या? जी यकीनन बनता है, और अमेरिका ने माजी में शुरू में इब्तदाई 10-12 साल में जो कश्मीर का मसला खड़ा हुआ उसने बहुत मौसर रोल अदा किया था। फिर उसके बाद इसकी पॉलिसी बदली और उन्होंने अपने आप को पीछे हटाना शुरू किया। लेकिन अगर अमरीका मुखलिस हो इस मामले में और सिर्फ ये ना सोचे कि इंडिया को वो चीन के खिलाफ ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है, तो अगर वो सही मायनों में एक दुनियावी सतह पर एक विजन रखने की कोशिश करे मौजूदा कयादत अमेरिका की, तो बहुत मौसर रोल अदा कर सकता है, क्यों नहीं। और ट्रंप की जहानत से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह का काम करेंगे? नहीं, कोई मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि जितनी ला इल्मी इस शख्स में मौजूद है, मैं दुआ गो हूँ कि उसके जो मुशीर हैं उस ला इल्मी को कम करने में कामयाब हों और उसे सही तौर पर समझा सकें कि जनूबी एशिया की क्या तल्ख हकीकतें हैं। और ये हमें चौकस रहना चाहिए कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में और दीगर और शोबों में, एकेडेमिया में, वहां पर यूनिवर्सिटीज में और मीडिया में इंडियन अमेरिकन की तादाद पाकिस्तानी अमेरिकन से बहुत ज्यादा है। ये निकी हेली खुद एक मिसाल है, तो उनका असर बहुत होगा इस एडमिनिस्ट्रेशन के मौकफ पर कि वो पाकिस्तान को किस नजर से देखें। लेकिन फिर भी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि शायद शायद ट्रंप को कोई मौजा हो और उसे एकदम से एहसास हो कि ज्यादती कौन कर रहा है और इंसाफ करना चाहिए। आखिरी सवाल जावेद जब्बार साहब, आपने ओआईसी की बात की, आपके ख्याल में जो रिसेंटली अपना बना है इस्लामिक कंट्रीज का इत्तेहाद, उसका कोई रोल देखते हैं इस रीजन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके अंदर हवाले से, ये इस कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उसका कोई रोल देखते हैं? नहीं, देखिए ये रिसेंटली नहीं बना, माशाल्लाह अब तो इसको बहुत साल हो गए हैं, 40-45 साल से ज्यादा इसकी उम्र हो गई है। नहीं, मैं इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ जो मिलिट्री अलायंस बना है। अच्छा जी, तो ये जो फौजी अलायंस? यस मिलिट्री अलायंस की बात कर रहा हूँ। नहीं, इससे मुझे बहुत ही महदूद कोई गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी, कोई वजाहत नहीं हुई है कि ये किस नौयत का है, ना इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसे कहे जाते हैं कि इसके किन हदूद या किन शरायत पर ये इत्तेहाद ऑपरेट करेगा, इसकी कोई वजाहत नहीं हुई है। तो इसकी गैर मौजूदगी में हम क्या तवक्को कर सकते हैं जब एक मुल्क, दुनिया का एक बहुत रईस मुल्क,
जो मुसलमान मुल्क है, एक दुनिया के सबसे गरीब मुल्क यमन की बमबारी कर रहा है, जहां पर इतनी बड़ी सतह पर फैमिन है, यानी कि भूख के मारे बच्चे मर रहे हैं, उसके ऊपर बम भी गिर रहे हैं उनके ऊपर। तो ये मुसलमान दुनिया का हाल है इस वक्त, तो एक मिसाल है लीबिया में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, क्या मुनाफिकत हो रही है वहां पर, तो इसका आप सबको एहसास है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में और बिलखसूस ईरान को बाहर रखे हुए कैसे कोई मौसर मुस्लिम दुनिया का कोई इत्तेहाद बन सकता है, सवाल ही नहीं पैदा हो। और राहिल शरीफ की क्यादत संभालना आपके ख्याल में बेहतर अमल है? बेहतर नहीं, माने ये पाकिस्तानी क्यादत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर अगर इसमें अगर और मगर बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। अगर जनरल राहिल शरीफ इंश्योर कर सकें कि कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे ईरान को तकलीफ पहुंचे या उसे कोई नुकसान पहुंचे, तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक एजाज भी है कि पाकिस्तान के एक फौजी को, एक रिटायर्ड फौजी को पूरी इस्लामी या कुछ इस्लामी ममालिक ने उनकी क्यादत को तस्लीम किया है, बशर्ते कि वो क्यादत उनको इजाजत दे, वो कौमी इत्तेहाद के वो सही तौर पर अपने आप को मौसर एक रोल अदा कर। बड़ी मेहरबानी जावेद जब्बार साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की। नाज़रीन मुल्क जा नाम यार एनलिस्ट गुणा वफाकी वजीर जनाब जावेद जब्बार साहब से गड हुआ टेलीफोन लाइन ते, पाक इंडिया लागापन के हवाले से गुफ्तगू तामदी इन सा गड। नाज़रीन प्रोग्राम जो वक्त पूरो थे तो पने मेज़बान फयाज़ नाश के इजाज़त सदाई गड।